दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल अपना डिजाइनर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम CD100 का जो ओरिजिनल स्टिकर होता है उसे हम अप्लाई करने वाले हैं इन सब में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहे हमारे ओरिजिनल स्टिकर्स जिन्हें हम एक एक करके इन सभी में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो साइड पैनल होता है ना बाइक में, उसमें इस ओरिजिनल स्टिकर को हम लगाने वाले हैं। दोस्तों आपको काफी सावधानी से इसे सीधा करके लगाना है, तभी ये काफी बारीकी से लग पाएगा। और दोस्तों जब ये स्टिकर चिपक जाए तो आपको उसके ऊपर का जो लेमिनेशन पेपर होता है उसे हटा देना है। देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आप बहुत सारे बाइक्स में देखे होंगे कि वो पुराना हो जाता है और उसका जो स्टिकर्स होता है ना वो फेड हो जाता है। आप इन स्टिकर्स को या तो Amazon Flipkart से मंगा सकते हैं और मंगाने के बाद आप बिल्कुल इसी तरह से अपने बाइक पर चिपका सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हम दूसरे साइड के पैनल में भी इस CD100 के स्टिकर को लगा रहे हैं। और दोस्तों इसका भी जो लेमिनेशन पेपर होता है ना उसे हटा देना है। अब चलिए हम CD100 के इस ओरिजिनल स्टिकर को टैंक में भी लगाते हैं। टैंक में लगाने के लिए थोड़ा आपको सावधानी का जरूरत है, क्योंकि टैंक का जो बनावट होता है वो थोड़ा कर्वी शेप में होता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना है। और दोस्तों अगर ये सही से ना मुड़ पाए तो आपको हॉट एयर गन का भी यूज करना है, उससे ये जो स्टिकर है वो थोड़ा लचीला होगा और ये काफी आसानी से मुड़कर चिपक जाएगा इस टैंक पर। और अब इसके ऊपर का जो लेमिनेशन पेपर है उसे भी हटा देना है। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव सीट होता है जो कि इस स्टिकर को नुकसान न पहुंचे या फिर इस स्टिकर में कोई स्क्रैच ना लगे, इस वजह से वो दिया जाता है। और ये जब चिपक जाए तो उसे हटा देना ही सही रहता है। अब दोस्तों इस साइड का स्टिकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए दूसरे साइड भी हम लगाते हैं। आपको एक प्रॉपर स्क्वीजी का मदद लेना होगा इसे चिपकाने के लिए। आप देख सकते हो कि ये कर्व होने की वजह से ये सही से सीधा चिपक नहीं पा रहा है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मॉडिफिकेशन पसंद है या फिर किसी बाइक का कस्टमाइजेशन या फिर स्टिकरिंग देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।